हम निकल चुके हैं चंद्रशिला के लिए। चंद्रशिला बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ से उत्तराखंड के सारे हिमालय रेंज दिखती है। हम आपको लेके चलेंगे ऐसी जगह जो है तुंगनाथ से 1 किलोमीटर ऊपर। दोस्तों यहाँ पर जाना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि नीचे पूरी खाई है, आप देख सकते हो, और रास्ता बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, तो हमको संभल संभल के कदम रखने होते हैं। आप लोग आते हो तो अच्छे वाले शूज़ लेके आए यहाँ पर, क्योंकि रास्ता बहुत डेंजरस है, अगर फिसले तो नीचे सीधे खाई, आप देख सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ का व्यू है, और यहाँ से हम जाएंगे चंद्रशिला के टॉप में। बहुत ही खूबसूरत हमारी ये यात्रा होने वाली है, बहुत ही कठिन, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, और यहाँ से शुरू होते हैं पहाड़ों का दिखना, जो है हिमालय की रेंज, जहाँ रहते हैं महादेव। हम आपको लेके चलेंगे वो हर एक महादेव के वो धाम, जहाँ पर महादेव रहते हैं, महादेव को पसंद है वो जगह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से। दोस्तों आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ एक ऐसे पर्वत पर, जहाँ से आप देख सकते हो उत्तराखंड के पूरी हिमालय के बहुत बड़े बड़े पर्वत, जिनमें है नंदा देवी, त्रिशूल, चौखंबा, नीलकंठ, और उसके अलावा हाथी घोड़े, और यहाँ से कैलाश पर्वत भी दिखता है दोस्तों। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ एक बहुत ही खूबसूरत ट्रिप पे, बहुत ही एडवेंचरर यात्रा पे लेके जाने वाला हूँ चंद्रशिला पिक पर। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ में। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इससे पहले मैं आपको लेके गया था बहुत से बद्री, और आगे लेके जाने वाला हूँ आपको मैं केदारनाथ धाम में, जो हमारी सीरीज है विंटर चारधाम यात्रा। अपना प्यार ऐसे देते ही रहिए। हम जाने वाले हैं चंद्रशिला पिक पर। देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी ज़्यादा बर्फ है, और यहाँ पर से ही जो हिमालय की रेंज है वो दिखनी शुरू हो जाती है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये यात्रा रहने वाली है। दोस्तों यह है चंद्रशिला का डिफ़िकल्ट रास्ता। चलो चलो, हाँ बहुत ही स्लिपरी रास्ता है, ऊपर देखो फिसल रहे हैं लोग। चलो बिल्कुल किनारे चलो। हाँ ज़्यादा रिस्की रास्ता है दोस्तों, किक मारो ना। चलो सांस दोस्तों, किक मार के यहाँ पर जाना है। हाँ अरे मैं सही चल रहा हूँ। चलो चलो चलो, सब अच्छा अच्छा, चलो चलो सब अच्छा। ये है चंद्रशिला का डिफिकल्ट रास्ता, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, और नीचे पूरी खाई। देखो दोस्तों ऐसे रास्ते से जाना होता है चंद्रशिला। चलो चलो दोस्तों, यहाँ पर रुकना नहीं होता आपको बर्फ़ में, अगर आप पैर रुकोगे तो आपका पैर ठंडा होगा, आपको ठंड ज़्यादा लगेगी, हाथ ठंडे होंगे, इसलिए बर्फ़ में जितना हो सकता है कंटिन्यू चलते रहो बस। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे मोनाल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे मोनाल हैं। दोस्तों अभी हमको कम से कम 1 घंटा लगेगा यहाँ से चंद्रशिला टॉप में जाने में, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है,
और हमको सीधी चढ़ाई चढ़नी है। आप ये देख सकते हो ये रास्ता बनाया ये जाना है, और ये बादलों के ऊपर ये टॉप है, इसके ऊपर एक और टॉप है, वहाँ तक हमको जाना है। दोस्तों ये रास्ता बना हुआ है चंद्रशिला जाने के लिए, पूरा बर्फ़ का रास्ता है। यहाँ पर लगभग अभी 2 फीट बर्फ़ है और हमको जाना है सीधा ऊपर महादेव चंद्रशिला में। गंगा मैया का मंदिर है वहाँ पर, और वहाँ से जो व्यू दिखता है ना दोस्तों, हिमालय के किसी भी चोटी से आपको ऐसा व्यू नहीं दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत। और हम आए हैं बहुत नीचे से, ये देखिए आ रहे हैं, और हम वो नीचे पहाड़ों से हम लोग आए हुए हैं। दोस्तों ये है चंद्रशिला की चढ़ाई, बस 500 मीटर दूर है चंद्रशिला पीक। ये रास्ता गया, और जो ये रास्ता गया, और जो टॉप में चंद्रशिला पीक है। बहुत प्यास लग रही है दोस्तों, यहाँ पर आपको झाड़ू में कुछ नहीं मिलेगा, चोपता से ऊपर ना होटल मिलेंगे ना पानी के नल मिलेंगे, सब सूख चुके हैं, और आपका पानी भी ख़त्म हो जाता है, फिर आपको बर्फ़ ही खानी होती है। चलो चलो चलते रहो। हर हर महादेव। दोस्तों मेहनत करने के बाद, संघर्ष करने के बाद, और इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद हमको जो मिलता है ना, वो हम शब्दों में नहीं बता सकते आपको, वो होता है ये। दोस्तों ये हम लोग पैसों से नहीं खरीद सकते, हम लोग प्रॉपर्टी से नहीं खरीद सकते, हम लोग शहर में बैठ के नहीं खरीद सकते, हम लोग अपने पैसों के घमंड से नहीं खरीद सकते ये, और ये सिर्फ मिलता है मेहनत करके और इन पहाड़ों में आके और कठिनाइयों का सामना करके। तो दोस्तों ये है महादेव की भूमि, जहाँ पर पहुँचना बहुत ही कठिन होता है, और वो भी इस झाड़ू में, इस बर्फ में। तो दोस्तों आप देख सकते हो, जो मेहनत करने के बाद, इतनी बर्फ में चलने के बाद हमको जो मिलता है वो होता है ये, जिसको हम करोड़ों रुपयों में भी नहीं खरीद सकते। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं उस धाम में, जहां पर आने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और बर्फ में गिरते फिसलते हमको पहुंचना पड़ता है ऐसी जगह, जहां पर हम शहर में लाखों रुपयों होने के बाद भी हम उसका आनंद नहीं ले सकते, ऐसी जगह हमको आना होता है, वो है महादेव के धाम। हम आपको ऐसे ही महादेव के धाम दिखाते रहेंगे दोस्तों, बस अपना सपोर्ट हमको दीजिए, अपना प्यार हमें दीजिए, हम आपको लेके चलेंगे ऐसे महादेव के धाम, जहां हर किसी को, हर किसी का सपना होता है पहुंचना, वो भी इतनी ज़्यादा बर्फ़ में। और इस व्यू को देखने के लिए हमको बहुत कुछ खोना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। इतनी सुंदर देवभूमि से बहुत कुछ लेके आते रहेंगे।
दोस्तों पहुंच चुके हैं चंद्रशिला पीक में, और यहां से हिमालय का जो व्यू दिखता है ना दोस्तों, वो बहुत ही खूबसूरत है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा यहां से 360 का व्यू। आप देख सकते हैं पहले ये देखिए, यहां से पूरा ये सामने चंद्रशिला का मंदिर है, गंगा धाम। उसके बाद हम इधर बढ़ते हैं, एक बार आप पहले पूरा दर्शन कर लीजिए यहाँ से पूरे धाम के। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, ये सामने गंगोत्री रेंज है दोस्तों, इधर 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 ये सब सामने गंगोत्री रेंज है। और फिर हम इधर बढ़ते हैं तो ये है चौखंबा मेरे बिल्कुल सामने, ये देख सकते हैं चौखंबा। और इसके बेस में है केदार धाम जो भोलेनाथ को समर्पित है। और इधर जाते हैं तो सामने हमको दिखता है यहाँ पर नंदा देवी पीक दिखती है, यहाँ भी सॉरी यहाँ पर नीलकंठ दिखता है, उसी के नीचे है अपना बद्रीनाथ। और हम इसके इधर बढ़ते हैं तो यहाँ सामने आप देख सकते हो ये जो पहाड़ है, ये है हाथी और घोड़ी। और उसके इधर बढ़ते हैं तो यहाँ सामने आता है द्रोणागिरी, और उसके बाद नंदा देवी। अभी वहाँ पर बादल आए हुए हैं। और इधर को हम बढ़ते हैं तो फिर आती है त्रिशूल वाली रेंज, और उधर को फिर त्रिशूल, नंदा घुंटी, और ये उधर को फिर अपना चमोली वाली रेंज आ जाती है। दोस्तों ये पूरी की पूरी जो रेंज है ये हिमालय की रेंज है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ से आप देख सकते हो दृश्य। और ये रहा चोपता नीचे, ये है सबसे टॉप की जगह, चोपता से ऊपर, तुंगनाथ से भी ऊपर चंद्रशिला पीक। यहाँ से सारे पर्वत आपको दिखते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हाथी घोड़ा पर्वत। ये सामने दोस्तों चौखंबा, इसके बेस में है केदारनाथ, और इधर बढ़ेंगे तो नीलकंठ, ये चौखंबा, ये चौखंबा। और इधर इधर बढ़ेंगे तो यहाँ नीलकंठ है, उसके भी नीचे है बद्रीनाथ। और इधर बढ़ेंगे तो आप वो सामने आप देख सकते हो वो है हाथी घोड़ा पर्वत। और उसके इधर बढ़ेंगे तो हम द्रोणागिरी आता है, फिर इसके इधर सामने आता है बादलों के यहाँ पर ये आता है आपका नंदा देवी, और उसके बाद आगे त्रिशूल, नंदा घुंटी, ये सारी रेंज यहाँ पर आती है। अरे